मिशन पीसीएस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज की एपिसोड शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न। जो पिछले अभ्यास प्रश्न में पूछा गया क्वेश्चन था, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऑप्शन वन, डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा पुणे में देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च किया गया था। ऑप्शन टू, यह फ्यूल सेल बिजली पैदा करने के लिए हाइड्रोजन और हवा का इस्तेमाल करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? या ऑप्शन केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो, और ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। इसका सही आंसर सी है। चलते हैं व्याख्या की तरफ। विकल्प एक और दो दोनों सही है, तो इसका सही उत्तर सी होगा। इस बस को CSIR और KPIT लिमिटेड ने मिलकर विकसित किया है। डीजल बस की तुलना में इस बस में शून्य CO2 का उत्सर्जन होता है। वहीं डीजल बस आमतौर पर सालाना 100 टन CO2 का उत्सर्जन करती है। 12-14% CO2 का उत्सर्जन डीजल से चलने वाले भारी गाड़ियों से होता है, वहीं हाइड्रोजन ईंधन सेल से नहीं होता है। जापान ईंधन सेल प्रौद्योगिकी के उपयोग में अग्रणी। आज के एपिसोड में बात करेंगे हाइड्रोजन ट्रेन की पहली रेल सेवा का शुभारंभ। जानते हैं चर्चा में क्यों है। जर्मनी में हाइड्रोजन ट्रेन की पहली रेल सेवा का शुभारंभ किया गया है। इसके प्रमुख बिंदु, यह ट्रेन 100 किलोमीटर के फासले पर स्थित दो शहरों के बीच चलाया गया। इसे फ्रांस की रेल ट्रांसपोर्ट कंपनी अलस्टोम ने बनाया है। ट्रेन में फ्यूल सेल लगाए गए हैं जो कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाकर ऊर्जा पैदा करते हैं। बदले में सिर्फ पानी और भाप का उत्सर्जन होता है। यह इको फ्रेंडली ट्रेन एक बार में करीब 1000 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। इसकी अधिकतम रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटा। हाइड्रोजन ट्रेन के लिए अभी कुक्सवेन बरवेद्रे शहर में ही रिफ्यूलिंग की व्यवस्था की गई है। ईंधन डालने के लिए स्टेशन में 40 फीट ऊंचा एक स्टील कंटेनर लगाया गया है, जिससे ट्रेन में हाइड्रोजन को पाइप के जरिए पहुंचाया जाएगा। अगले 2 साल में ईंधन की आपूर्ति के लिए जर्मनी में एक हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन भी स्थापित किया जाएगा। हाइड्रोजन ट्रेन रेल को कार्बन मुक्त करने की दिशा में बहुत बड़ी संभावनाएं लेकर आया है। इसके जरिए जलवायु को प्रदूषित करने वाली डीजल इंजनों से छुटकारा पाया जा सकता है। जर्मनी में अब भी 20% यात्राएं डीजल इंजनों के जरिए होती है। परिवहन का शून्य उत्सर्जन वाला तरीका कही जा रही हाइड्रोजन ट्रेन वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन को छत पर लगे फ्यूल सेल के जरिए हाइड्रोजन के साथ मिलाती है। आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा हाइड्रोजन ट्रेन की पहली रेल सेवा का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें। तब तक मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।